हेलो एंड वेलकम एवरी वन कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे सो आफ्टर सेवन ईयर्स मतलब लास्ट टाइम जब मैं हिंदी में बात किया था तो वो टू थाउजेंड सिक्सटीन था तब मैं हिंदी में बात किया था और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी मुझे पता है लेकिन मैं आज से कोशिश कर रहा हूँ कि वीकली वन क्लास एटलीस्ट इन हिंदी सो क्या हम लोग या आप लोग क्या आज की क्लास में सीखने जा रहे हैं और यहाँ पर जो भी मैं बात करूँगा नथिंग स्क्रिप्टेड कोई भी स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं है तो ना तो पहले प्रैक्टिस किया है तो इसलिए कभी कभार थोड़ा बहुत अटक सकता हूँ क्योंकि आफ्टर सेवन ईयर्स यू कैन अंडरस्टैंड वाट आई एम गोइंग थ्रू सो स्टार्ट वॉट इज कॉग्नीशन हम आज की क्लास में जानने जा रहे हैं कि काग्नीशन एक्चुअली होता है क्या है इसका बेसिक जो एलिमेंट्स है उसके बारे में हम जानने जा रहे हैं नेक्स्ट वाट आर इमोशन्स इसको काग्नेशन uh, का ही और एक पार्ट है इमोशंस उसके बारे में थोड़ा तो डिटेल्स में जानेंगे और इमोशंस की कुछ टाइप्स अवेलेबल हैं तो वो टाइप्स क्या क्या है वो टाइप्स के बारे में हम वन बाई वन जानेंगे उसके बाद इमोशंस फीलिंग्स एंड मोड्स वट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इमोशंस फीलिंग्स एंड मूड्स उसके बारे में हम इन डिटेल विल भी डिस्कसिंग नेक्स्ट द इफेक्ट ऑफ इमोशंस ऑन काग्निशन मतलब इमोशंस जो है उसके इफेक्ट कॉग्नीशन पे क्या होता है उसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे और एट लास्ट विल भी डिस्कसिंग अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज़ ऑलसो कॉल्ड ई आई सो नेक्स्ट सिम सैम्पल क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज हमारे ऐसा होता है मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग या वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टॉपिक्स तो जानते हैं लेकिन उनको क्वेश्चन के बारे में उतना आइडिया नहीं होता है कि कैसा क्वेश्चन आता है या फिर इस टाइप का क्वेश्चन आने से कैसे देना पड़ेगा या फिर आंसर कैसे करना पड़ता है दे डोंट टू आउट द बेसिक आइडिया सो देट इज़ वाई सो यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म You will get to know about all these things and we do do work test mock test every week abhi kya hota tha na weekly seven days we used to take mock test every every day but right now we're doing what we're doing every alternate days means three mock tests in a week so इफ़ यू आर न्यू यू ज्वाइन आवर व्हाट्सअप फेसबुक एंड टेलीग्राम ग्रुप्स लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो चलो हम शुरू करते हैं तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो क्वेश्चन है वाट इज कॉग्नीशन मतलब कॉग्निशन होता क्या है उसको हम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे लेकिन उसके पहले आप जो बैकग्राउंड में जो एक थीम है उसको देख के आप, आपको समझ में आ रहा होगा ये आप एक न्यूरल है एक हीन ब्रेन है अब इससे रिलेटेड कुछ होगा तभी ना हम उसको कॉग्नीशन कहेंगे अब क्या है वही हम लोग समझते हैं इसमें अब मैंने एक पिक्चर यूज़ किया है जिसकी बदौलत आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि कॉग्नीशन एक्चुअली होता क्या है फर्स्ट ऑफ़ ऑल देखिए हम अपना डेली जो लाइफ है उसमें बहुत सारे डेटास इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसिस गैदर करते हैं मतलब एक साथ लाते हैं और उसको कहाँ भेजते हैं जो भी आपका डेटास आपको मिलते हैं कुछ किसी भी बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है एक्सपीरियंसेस आप लेते हैं वो सब कुछ जाता है कहाँ पे दिमाग में और वहाँ पे वो प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद वो फिर से रिटर्न आता है और रिटर्न आकर वो क्या कन्वर्ट हो जाता है वो बन जाता है नॉलेज या स्किल्स अगर कुछ इंफॉर्मेशन आपने लिया तो वो तो पहले नॉलेज होगा फिर बाद में उसको आप कन्वर्ट करके कोई भी स्किल बना सकते हैं कोई बिहेवियर आपके में डेवलप हो सकता है जैसे कोई भी पॉजिटिव बिहेवियर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एनीथिंग नेक्स्ट जो हो सकता है वो है वैल्यूज़ एंड प्रेफरेंसेस मीन्स आप में वैल्यूज़ आ सकते हैं अच्छे का अच्छे अच्छे जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं वो आ सकते हैं एंड प्रेफरेंसेस मतलब चॉइसिस प्रेफरेंसेस को हम और भी आसान भाषा में क्या बोल सकते हैं चॉइसेस मतलब पसंद या फिर कोई भी ऑप्शन अच्छा खासा ऑप्शन आपको मिल सकता है अगर आप अच्छे से नॉलेज को इंफॉर्मेशन को एक्सपीरियंसिस को गैदर करो उसको प्रोसेस करो तो ये जो प्रोसेस करने का जो प्रक्रिया है जिसमें हम प्रोसेस करते हैं ह्यूमन ब्रेन में अबाउट डेटाज़ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस एक्सपीरियंसिस एंड कन्वर्ट देर तो नॉलेज एंड स्किल्स बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज एंड प्रेफरेंसेस यहाँ पर यही होगा ठीक है ये वाला आर जो है वो गलत है हो सकता है टाइपिंग के टाइम मिस्टेक हो गया हो so, सो ये जो प्रोसेस है वो वही प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉग्निशन सो कॉग्निशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड मतलब क्या हो गया जैसे कि एक आ, प्रोसेसिंग यूनिट है ये जो ब्रेन है ये क्या है एक प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है एक क्या हो गया एक प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे क्या होता है आप जो भी भेजते हैं वो यहाँ पे प्रोसेस होते हैं प्रोसेस करके निकल निकल भे, निकल भेजता है या फिर वो बाहर देता है तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कग्निशन सो मैं बोल रहा हूँ कि बोलते हैं कैडम थोड़ा बहुत गलती हो गई सो प्लीज डोंट टेक दिस थिंग्स वेरी सीरियसली आई एम ट्राइंग ट्राइंग ए न्यू लैंग्वेज एटलीस्ट इट इज इट हैज़ बिकम वेरी न्यू आई स्पोक इट फॉर फोर ईयर्स फ्रॉम टू थाउजेंड एलिवेन से लेके टू थाउजेंड फिफ्टीन तक मैंने फ्रीकुंटली बोला था when I was in Orissa. Then when I was in Madhya Pradesh in 2016, I also spoke it then time. But after that, during last seven years, I never spoke it for a single day. So, also, आपको समझ में आ सकता है कि ये थोड़ा tough होगा, थोड़ा difficult होगा, but नामुमकिन नहीं है. और हिंदी बोलना मुझे अच्छा लगता है. I feel very comfortable while speaking in English, and I also feel very nice. ना मतलब दिल से अच्छा लगता है हिंदी बोलने में. सो दैट इज़ वाई आई ट आई हैव चूज इन दिस वन सो थैंक यू सो मच मुझे आशा करता हूँ कि आपको कैसा लग रहा है आपको जो भी फील हो रहा है आपको सर अगर कॉन्टेंट समझ में आ रहा है प्लीज़ डू कॉमेंट अगर आप नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब एंड अगर आपको ऐसा ही कॉन्टेंट और भी चाहिए तो आप प्लीज़ कॉमेंट करके बताएं कौन कौन से पैडागोजी इन इंग्लिश के टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए वो बता दीजिए एंड लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए डू एवरीथिंग दट यू कैन एंड हेल्प मी टू रीच इन ईच एंड एवरी पीपल हाँ एंड आई विल एक्सप्लेन एवरी थिंग एज as एज पॉसिबल तो चलिए अभी हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है वट इज़ कग्निशन सो कग्निशन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बार बार मैंने देखा है कि सी टेट या फिर जो यू टेट है बिहार टेट है वेस्ट बेंगल टेट है या फिर हम जो त्रिपुरा में रहते हैं वहाँ पर भी टेट मैक्सिमम टाइम्स दे है बात क्वेश्चन सो व्हाट इज़ कग्नीशन सो लेट्स डिफाइन इट वन बाई वन सो कग्निशन होता क्या है कग्निशन रेफर्स टू द मेंटल प्रोसेस एक मतलब मानसिक एक प्रक्रिया है इन्वॉल्व इन गेनिंग नॉलेज मैं लाइन देख देख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ सो so, इसमें अगर कोई भी आ, और कहीं भी अगर वेल एक्सप्लेनिंग इफ़ आई मेक मिस्टेक वेल ट्रांसलेटिंग प्लीज डू फॉ की प्लीज पार्ट कग्नेशन रेफर्स टू द मेंटल प्रोसेस एक मानसिक प्रक्रिया है इन्वॉल्व इन गेनिंग नॉलेज मतलब आप जब नॉलेज लेते हैं ना या फिर उसको समझते हैं किसी भी चीज़ को आप समझते हैं या फिर आप नॉलेज को क्या करते हैं गेन करते हैं मतलब उसको बढ़ाते हैं अपने दिमाग में या फिर उसको किसी भी चीज़ को आप कॉन्टेक्स्ट को आप समझने जाते हैं तब जो मेंटल प्रोसेस आपके दिमाग में होता है उसी को बोलते हैं कॉग्निशन गॉट इट ऑन नॉट इसको आसान मसान में समझिए जैसे कि आपके दिमाग में जो भी कुछ हो रहा है वो कोई भी प्रोसेस हो वो कॉग्निशन कहलाया जाएगा सेकेंड जो है वो है कॉग्निशन इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इंट नॉलेज मतलब कॉग्निशन हो तो करता क्या है कंस्ट्रक्ट करता है मतलब बनाता है कंस्ट्रक्शन कब यूज़ होता है वह वर्ड जब बिल्डिंग का बात होता है ना बिल्डिंग जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है या कोई भी कुछ हो तो कंस्ट्रक्शन करता है किसको जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको वो नॉलेज में कन्वर्ट करता है सो इट इज़ एज सिंपल एज इट इज़ पॉसिबल नेक्स्ट है कग्निशन रेफर्स टू द एबिलिटी टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन मतलब एक क्या बोलता है कग्निशन समझाता है द एबिलिटी मतलब वो जो आप में है ना उसको क्या बोलते हैं क्षमता बोलते हैं एबिलिटी को क्षमता ही तो बोलेंगे टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन क्या क्या करता है इन्फॉर्मेशन को वो क्या करता है प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके अप्लाई नॉलेज एंड चेंज प्रेफरेंसेस मतलब उसको नॉलेज में कन्वर्ट करेगा उसी हिसाब से वो प्रेफरेंसेस भी क्रिएट करेगा जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल आपके दिमाग में आपके सामने दो ऑप्शन हैं आप किसी भी रेस्टोरेंट में बैठे हों एक, एक टाइप एक रेस्टोरेंट हो गया वेज और एक हो गया बोथ फॉर एन एग्ज़ाम्पल बोथ हो गया तो दो ही जगह में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्योंकि जहाँ पे भेज होगा वहाँ पे एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल उसके हिसाब से आपका नॉलेज होगा वही हिसाब से आपका ऑप्शन भी आएंगे लेकिन जहाँ पे नॉन या नॉनवेज या बोथ है वहाँ पे उस हिसाब से आपका आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा आप वही हिसाब से नॉलेज लेंगे और प्रेफरेंस भी आपका या फिर ऑप्शन मेकिंग भी वैसे ही होगा सो एज सिंपल एज इट इज़ ठीक है तो कॉन्फ्य वो दो ही काम करता है नॉलेज बनाता है और उसके हिसाब से प्रेफरेंसेस क्रिएट करता है नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉग्निशन इज़ द एक्ट ऑफ नोइंग द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन आई हैव एवर सीन इन माई एंटायर यूट्यूब कैरियर सो इसमें होता क्या है कॉग्निशन इज द एक्ट ऑफ नोइंग मतलब जानने का एक प्रक्रिया है और द प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन नोइंग और जानने का प्रक्रिया के बीच में जो होता है प्रोसेस इन्वॉल्व इन नोइंग मतलब आप जानने जा रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल आप मेरे क्लास कर रहे हैं और वो जो प्रक्रिया है ना वो जो ड्यूरेशन है उसी को आप नोइंग बोल सकते हैं ठीक है और उसी को अब डायरेक्टली कॉन्ग्निशन भी बोल सकते हैं मतलब अभी आप जिस प्रक्रिया में है जहाँ पे आप मेरे बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे मेरे आ, जब भी आप मेरा वर्ड्स को फोकस करेंगे ना तो इसमें थोड़ा बेंगोली टोन होगा थोड़ा बेंगोली प्रोनाउंसिएशन भी आएगा सो प्लीज़ डोंट माइंड हमारा जो हिंदी है वो एग्जैक्टली यू पी एंड एम पी और बिहार स्टाइल का नहीं होगा वी आर नॉट नेटिव स्पीकर्स ऑफ दिस लैंग्वेज बट आई स्टिल फील दैट हिंदी इज ए ब्यूटिफुल लैंग्वेज अगर इंग्लिश के बाद अगर इंडिया में कोई लैंग्वेज है जो हर किसी को हर एक जगह में कनेक्ट कर सकता है वो हिंदी होगा ठीक है आप हिंदी को क्यों मैंने सेकेंड रखा है इसलिए रखा देखिए नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स है या फिर साउथ में साउथ इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स है वहाँ पर हिंदी नहीं बोला जाता है हिंदी इज़ मेनली स्पोकन इन द नॉर्थ ईस्टर्न नॉट नॉर्थ ईस्टर्न बट नॉर्थन इंडिया मेनली जैसे यूपी एम पी बिहार उत्तराखंड हरियाणा दिल्ली दिस इन दिस पार्ट बट द अदर पार्ट पर इंडिया का अब आप पिक्चर भी बनाएंगे ना पिक्चर में ऐसे करके आप बना लेंगे तो आप देखेंगे सब जगह में वो नहीं बोला जाता है हर एक जगह में अगर बोला जाएगा तो हो जाता तो ये जो पार्ट है नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पर नहीं बोला जाता मैंने थोड़ा बोला बनाया है ए पार्ट में भी नहीं बोला जाता है सिर्फ ये जो पार्ट है इस पार्ट में बेसिकली हिंदी बोला जाता है दे, दिस पार्ट है कश्मीर में भी नहीं बोला जाता है। कश्मीर में कश्मीर चलता है सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एक छोटा मोटा ड्राइंग था मैंने ऐसे करके बना लिया मेरा कोई इंटेंशन नहीं था इसमें बनाने के पीछे सो so ये जो लाइन है वो मुझे बहुत ही पसंद आता है कि कॉग्निशन मतलब क्या एक्ट ऑफ नोइंग जानने का एक प्रक्रिया है मतलब आप जो जान रहे हैं ना जिस प्रक्रिया के माध्यम से उसी को आप बोल सकते हैं कॉग्निशन या फिर आप जो जानने की प्रक्रिया में है आप जाने या ना जाने जिस जानने की प्रक्रिया में उसी को हम कॉग्निशन बोल सकते हैं वेरी इजी अंडरस्टूड और नॉट प्लीज़ सेम इन द कॉग्निशन सॉरी कॉमेंट बॉक्स एंड हिंदी हो रहा है क्या इसमें बहुत सारी गलती होगी मुझे पता है स्टिल इफ़ यू फील दट आइम लिटल बिट गुड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स सो नेक्स्ट जिस टॉपिक के बारे में हम लोग अभी जानने जा रहे हैं देट इज कग्नेशन एंड थिंकिंग सो लुक वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड वॉट कंगनीशन इज कग्नेशन मतलब क्या होता है मतलब ब्रेन में जो भी कुछ कार्य चल रहा है कार्य मतलब तो क्या होता है ना हिंदी में अगर लिखा जाए तो कार्य तो ऐसे ही लिखेंगे शायद हाँ थोड़ा बहुत मेरा हिंदी तो बेंगोली लिखने में मुझे टफ होता है इसमें तो हिंदी तो भयंकर होगा सो so, मैं संस्कृत सीखा था तो इसमें थोड़ा बहुत करेक्ट कर सकता हूँ सो so, जो भी कार्य होता है ब्रेन में दैट इज़ ऑल अबाउट आवर कॉग्निशन सर थिंकिंग क्या होता है ऑल इंटेंशनल जो भी कुछ आप जान के करते हैं और डिलीवरी है, मतलब यही सब कुछ जो कि आप सचेतन होके करते हैं सो ऑल दिस थिंग्स और दिस ऑपरेशन ऑफ आवर ब्रेन आर नोन एज थिंकिंग मतलब जो जो आप जान के करते हैं या फिर सचेतन होके करते हैं उसको आप और उसको थिंकिंग कहलाए कहलाया जाता है नेक्स्ट कॉग्निशन इंक्लूड्स थिंकिंग आप ऐसा सोच लीजिए जैसे कि एक बरगद का ट्री है ठीक है बरगद का ट्री है अगर इसका नाम कॉग्निशन रख दिया जाता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसका नाम कॉग्निशन रख दिया जाता है और इसका कोई भी एक ब्रांच हो गया उस ब्रांच का अगर हम नाम रख देते हैं कि थिंकिंग देट विल बी द एक्चुअल थिंग हाँ थिंकिंग सो देट इज़ द एक्चुअल थिंग उसका एक ब्रांच हो गया हमारा क्या होता है थिंकिंग सो कॉग्नेशन एक बहुत बड़ा प्लांट है और उसके एक ब्रांच है सो so, कॉग्नेशन के अंदर में सब कुछ आता है वो इंटेंशनल हो मतलब आप सोच के करिए या ना सोच के करिए सब कुछ आता है यहाँ पे आप समझने की इसको कोशिश कीजिए कि आप एक फॉर्मूला के टाइप से लिखा गया है जैसे कि सेंसेशन जैसे कि आप लोग आप समझ लीजिए आपको कोई मच्छर काट रहा है ठीक है सॉरी ठीक है सर चलो इससे एक्चुअली आई यूज टू स्पीक अबाउट सॉरी आई वाल स्पीक इन बेंगोली ना सो दैट इज़ वाई sometimes इट हैपन्स सो समझ लीजिए आपको कोई मॉस्किन मॉस्कोटो ने या मच्छर ने काटा है ठीक है फिर से वही आ रहा है मॉस्क्यूटो ने काटा है तो वहाँ पर क्या होता है तो सेंसेशन पार्ट में क्या होता है आपको जब सेंस आता है कि आपको कोई मच्छर काट रहा है फिर आप उसको मतलब सेंस का जो पार्ट है जब आपने सेंस किया दैट इज़ ऑल अबाउट सेंसेशन फिर जब को जब आपको समझ में आता है कि मुझे जो काट रहा है वो बिच्छू नहीं है सांप नहीं है वो एक मच्छर है वो है परसेप्शन मतलब प्राइमरी आइडिया परसेप्शन को हम क्या बोल सकते हैं प्राइमरी आइडिया प्राथमिक धारणा बोल सकते हैं आप उसको नेक्स्ट जो है वो है थिंकिंग अब अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि मतलब नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है अरे मैं यहाँ पे बैठा था यहाँ पे अंधेरा हो गया है यहाँ पे पानी जमा हुआ है बहुत सारे दिनों से तो इसलिए यहाँ पे मच्छर हो गया है तो मुझे यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए था तो ये सब है थिंकिंग मतलब किसी चीज़ का स्पर्श होने से आपको फील होना फिर उसके बारे में एक प्राइमरी आइडिया लाना फिर उसके बारे में सोचना और कोई विचार लाना एवरीथिंग इज़ इन टूगेदर एवरीथिंग इन टुगेदर इज़ नॉन एज कम्पनीशन सबको एक साथ बोला जाता है कम्पनीशन सो नो निक टू बी कन्फ्यूज आई होप आई हैव आई हैव एक्सप्लेन इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे और यहाँ पर ये भी बोलता हूँ आज जब मैं स्कूल में बैठा हुआ था तो मैं हमारे कॉलेग से बात कर रहा था कि सो नई एल बी मेकिंग माई क्लासेज इन हिंदी दे वर लाफिंग सो आई टोल दैम दैट आई विश टू स्पीक इन हिंदी फ्यू ईयर्स बैक बट दट डिडेंट फील एंड आई राइट नो आई हैव ओनली टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड सब्सक्राइबर्स सो मैं उसको वैसे नहीं देखता हूँ आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट आई डोंट नो वेर आई एल बी गोइंग और आई डोट नो हाउ मनी सब्सक्राइबर और हाउ मनी व्यूअर्स आई एल है इन द फ्यूचर डेज बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट सो इट्स एप टू यू इफ यू फील दैट यू आर गेटिंग द आइडियाज इफ़ यू फील दट नो सर आपने अच्छा समझाया मुझे मुझे समझ में आ रहा है या फिर हमको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर विद य फ्रेंड्स सो दैट आई ऑल्सो हैव सम्रेंड्स फ्राम द हिंदी कम्युनिटी सो दैट आई आई ऑल्सो गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर वीडियोज ऑन टॉपिक्स लाइक दिस ठीक है तो हम लास्ट आज का जो लास्ट और एक प्लस और एक टॉपिक हम हाँ करेंगे सो आई एम ऑल्सो गेट इंग लिटिल बट कन्फ्यूज समाइम्स सो प्लीज डोंट माइंड नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें हम लोग समझ में समझने जा रहे हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है एलिमेंट्स को हम बेंगोली में उपादान बोलते हैं ठीक है इसको एग्जैक्ट मीनिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा है एलिमेंट्स का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग क्या होगा उपादान यही होगा या फिर उपदान होगा ऐसा ही कुछ होगा शायद ठीक है ना मतलब इसका कुछ बेसिक फ़ीचर्स इसको ऐसे समझ लीजिए कि इसका कोई कुछ बेसिक फीचर्स आप समझ लीजिए जो कॉग्नीशन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक फ़ीचर्स तो अब पर एक बच्चा को देख रहे हैं वो कारण की जो प्लग है उसमें ट्राई कर रहा है अपने फिंगर से टच करने का और उसके बाद उसके, उसके उससे क्या होता है हम लोग सबको पता है कि उसको शौक लगता है अभी शौक क्यों लगता है और इससे इसका क्या कनेक्शन है वही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एंड आई एम रिक्वेस्टिंग एवरी वन डैट अगर आप लोग नए हैं मुझे नहीं पता है कि यूट्यूब कितने लोगों को ये दिखाएगा क्योंकि आई विश टू मेक माई वीडियोज़ इन हिंदी अभी क्लास करने के बाद कितने लोगों को दिखाया मुझे नहीं पता है लेकिन जिसको भी दिखेगा अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ डू कॉमेंट प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आई गेट मोटिवेटेड एंड आई विल बी मेकिंग मी वीडियोज़ इफ़ यू मोटिवेट मी ओके अगर आपको अच्छा लगता है तो समझने की कोशिश करते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है तो देखिए यहाँ पर एक पिक्चर एक बच्चा है जो अपने हाथ को इस प्लग में दिख, आपको दिख रहा है कि वो घुसा रहा है यहाँ पे या फिर इसके अंदर डाल रहा है तो इसमें इसमें क्या हो रहा है ना इसको शॉक लगता है तो ये जो जब शॉक लगने का जो प्राइमरी प्रोसेस है ना द प्राइमरी प्रोसेस जब शॉक लगता है उसको बोलते हैं सेंसेशन जब हमारी उंगली की जो एकदम टिप पार्ट है यहाँ पे जब आप फील करते हैं यहाँ पे कुछ हुआ है जब आ, जब उंगली बाहर होता है तो हम लोगों को कुछ फील नहीं होता है लेकिन जब भी यहाँ पर का जो वायर है वहाँ पर कनेक्ट होता है और करंट का स्विच ऑन होता है तब यहाँ पर एक सेंसेशन फील होता है दैट इज़ दैट वी हैव बिन शॉफ्ट हमें शॉक लगा है उसको सेंसेशन बोलते हैं उसके बाद एक प्राइमरी आइडिया आता है कि परसेप्शन होता क्या है मतलब मतलब यहाँ पे क्यों शौक लगा मैंने टच किया वो अब करंट था इसलिए मुझे शौक़ लगा प्राइमरी आइडिया लगा या फिर हमारे दिमाग में एक आइडिया आता है कि मुझे शौक लग गया ठीक है या फिर जो बच्चा होता है उसको तो वो समझ में नहीं आता लेकिन उसको दर्द का एक एहसास होगा ठीक ना एक अजब से एक वाइब्रेशन फील होगा उसी को परसप्शन बोलते हैं फिर हम लोग रिकोगनाइज़ करना जानते हैं कि वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था एक्चुअली तब हम लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे करंट था और इसमें उंगली नहीं डालना था लेकिन हमने डाल दिया इसके यहाँ पे हमको ये शौक लगा सो दैट इज़ रिकोगनीशन और ये सब कुछ जो हम लोग सोच रहे हैं हमारे दिमाग में दैट इज़ गोइंग ऑन इन ए स्पेसिफिक लैंग्वेज हम सबका एक कुछ ना कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज हो गई हिंदी हो बंगाली हो मणिपुरी हो आ, पंजाबी हो गुजराती हो कुछ भी हो वो लैंग्वेज में हम प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा है नेक्स्ट उसको अब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं जब हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करते हैं और एट लास्ट वी हैव टू कंसेप्चुलाइज द थिंग्स दैट एक्चुअली होता क्या है जब करंट इसमें होता है जब हम लोग बच्चे थे तो हम पहले पहले हमको समझ में नहीं आता लेकिन इतना तो समझ में आता था कि यहाँ पर अगर उंगली डालेंगे और स्विच ऑन ऑफ़ बच्चे को समझ में नहीं आता है लेकिन ये समझ में नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे करंट लग सकता है उसके हाथ जल सकते हैं उसको बहुत ज़्यादा शॉक लग सकता है और थोड़ा और बुरा होता है तो पता लगता है कि स्विच ऑन होता है तो लगता है स्विच ऑफ होता है तो नहीं लगता है और उसके बाद जब और भी बड़ा होता है तो कंसेपचुलाइज करता है कि एक करंट के इफ़ेक्ट्स हैं ड्यू टू इट्स इफेक्ट्स वी आर हैविंग पेन उसके बाद क्या होता है लॉजिकल रीजनिंग और वो लॉजिकली सोचता है कि क्यों हुआ हाँ यहाँ पे करंट था इसलिए हुआ करंट अगर ऑफ था मतलब हम लोग ट्राई भी करते हैं बचपन में हम लोगों ने किया क्या कि जब करंट चला जाता था तो हम फिर हम लोग ट्राई करते थे तो फिर नहीं लगता था तो धीरे धीरे लॉजिकली हम लोग समझ गए एक्चुअली होता क्या है और रीजनिंग में क्या होता है रीजनिंग में आप लोग उसके उसके बारे में तर्क देते हैं जे एक्चुअली इसके पीछे क्या कारण था ना वो अगर आ, कभी कभी ऐसा होता है जो हम दोस्त लोगों से डिस्कस करते हैं नहीं इसमें ऑफ था इसलिए नहीं लगा ऑन था इसलिए लगा मतलब तर्क देना लास्टली हम इसका प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसमें यह प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि अगर करंट ऑन होगा तो इसमें उंगली नहीं डालना चाहिए इसमें हमारे प्राण का भी आ, मतलब झोंकी है बेंगोली वर्ड आ गया झोंकी आ गया नहीं बेंगोली नहीं हो गई इसमें प्राण संकट में है आ, जो एग्जैक्ट संकट तो बहुत भयंकर वर्ड है तो मतलब आवर लाइफ इज़ इज़ इन डेंजर सो यहाँ पे ये यह होता है तो अब हम लोग ऐट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं एक्चुअली होता क्या है और इसमें कैसे क्या, क्या करना पड़ता है मतलब कब डालने से अच्छा होता है कब डालने से नहीं होता है एक्चुअली बच्चे लोग को नहीं डालना चाहिए फिर भी लास्टली आप सीखते हैं ओवरऑल इस प्रोसेस से कि करंट का इफेक्ट क्या होता है उस वो हमको क्या हार्म कर सकता है या फिर इस, इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं इस, है? वो हम सीखते हैं और ऐट लास्ट ये सब कुछ जो भी कुछ हुआ है यहाँ तक सब कुछ चला जाएगा हमारे मेमोरी में सो so, वही सब कुछ है तो ये बेसिकली ऐसे ही हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ईच एंड एवरी क्लास विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरी वन जो भी ये क्लास देख रहे हैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग क्लास देखिए अगर आनंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए एंड डू सब्सक्राइब बिकॉज आई हैव टू रीच ईच एंड एंड एवरी वन ऑफ दिस कंट्री सो थैंक यू सो मच सी यू इन द नेक्स्ट क्लास